सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हैच जब हम करते हैं तब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर हैचिंग नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं जाऊँगा हैच ऑप्शन पे, ठीक है, और मैं रैंडमली कौन सा भी पैटर्न सेलेक्ट करूँगा। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ये सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ये स्क्वायर पे हैचिंग करना है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा, अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसको आपको क्लोज़ करना है, ठीक है। तो ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो स्क्वायर है यहाँ पे कंप्लीट बंद नहीं है, तो इसलिए ये मैसेज आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें जाना है सिंपली ऑप्शंस में, और यहाँ पे है गैप टॉलरेंस, ठीक है। तो गैप टॉलरेंस मतलब क्या, आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना गैप हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में जाके गैप टॉलरेंस में क्लिक करके तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3 और करूँगा एंटर, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वाले पोर्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद ये वाला विंडो आएगा, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू हैचिंग द एरिया, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका। तो कौन सा भी पैटर्न चूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सिंपल है, इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।